अज मैनू बहुत ज़्यादा गुस्सा आया सी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया सी, लेकिन मैं कंट्रोल कर गया। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल सारे भैन भाइयों, दुआ सारे वेखन जिन्नी की भैन भाई ने खुश रबाद हमेशा से वास्ते रुते। अज अपने जोड़े है गैजेट थोड़े बहुत चेंज किए ने और काफ़ी दिन हो गए सी, अज याद ताज़ा हो गई। जो गया से ना मरी उदों जन समझो तैयारी सारी शॉपिंग जी ने की सी, मैं क्या इवें पही ना रह जाए इस्तेमाल करिए। और अज का व्लॉग छत तो खड़े होकर शुरू कर दिया। अल्लाह पाक को सुबह सुबह दुआ हैगी कि अज किसी ना किसी तरीके मट्टी का काम मुकम्मल हो जाए। और दूसरा अज दुध भी जाके उधरों सिस्टर दुध भी जाके ले आना, बेगम साहब बर्तन वगैरह जोड़ा है ना तोरी है। सुबह सुबह तो काफ़ी समय के नज़दीक नज़दीक धुंद हैगी सी, लेकिन हुण दूर दूर धुंद है वो नज़र आ रही तुहानू, काफ़ी ज़्यादा धुंद पैंदी है सुबह सुबह जोड़ा ना और दूर दूर नज़र आ रही है। बेगम साहबा कह रही है तू चलें जाना तो मैं करनी है पूरे घर की सफाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ने घर की सफाई की थी कोई नहीं। बच्चों आज स्कूल छुट्टी है लेकिन ट्यूशन जाते हैं, इतवार वाले दिन ट्यूशन की भी छुट्टी होंगी स्कूल की भी, लेकिन हफ्ते वाले दिन स्कूल की छुट्टी होंगी, ट्यूशन जो हफ्ते वाले दिन जाते हैं। सफाई का काम शुरू ही हो चुके हैं और सब तो पहले बेगम साहबा कह रही है चादर वगैरह बदल के आया सारा जो निज़ाम सीधा करके उस तो बाद उपर वाला पोर्शन, क्योंकि अज बच्चे जोड़े है ना घर के ने। और बेगम साहबा कह रही बच्चों नाल लैके ना रल मिल के अं सारे जोड़े ना कर लवेंगे घर की सफाई। और ईमान फातमा सुबह सुबह जोड़ा ना काम काम लिखो है हाले तक नाश्ता नाश्ता कर लिया इन्हें को नहीं किया हाले तो सुते पे। अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम बैक। और मैं आ चुके हैं जी इतने घर और सब तो पहले असी आला जी रस्ता साफ करना है। और एक जोड़ा है ना भाई मजदूर आया सी, बाकी जोड़ा है ना नाल एक मजदूर भाई मैं असी दोनों रल के जो साले, क्योंकि मिस्त्री की अच्छ छुट्टी कराइए मट्टी की बर्थी, मिस्त्री ने सुबह फोन किया लेकिन उन्होंने कहा मिट्टी की बर्थी मुकम्मल करा लो बाद जगना उसारी कर लेंगे। और मैनु शक है कि वह मैं कह रहा मिस्त्री पता ही की कह रहा है, कह रहा मैं किसी होर पासे काम करना चार पाँच दिन का कम है, तुम तसली ना मिट्टी सटा लो तो मैं कम कर रही हाँ। असल तो उन्होंने तीन चार छुट्टियां हो गई ने तो करके जगह वह कह रहा कि इतनी मैं छुट्टियां नहीं कर सकता, लेकिन इस समय लोग आखिरी छुट्टी है, मैं तो आखिरी छुट्टी कर रहा लेकिन पता नहीं हूँ अगे अज मुकम्मल होता है कि नहीं होता, ये तो अल्लाह भी पता है। रस्ता बना के तो फिर जगना समान जो चक के लै जावे, पहले मंजिया फिर थले समान एक बार अर्जी तौर पर रख, अज ही बर्थी होगी तो फिर उतो चक के फिर वापस इतने रख देना। पेटियां का जी फैसला असं किया है, पेटियां इतों चक के जी इस कमरे के रख लगे, क्योंकि बाई कह रहा अगे काम शुरू हो गया ना तो इस जगह तो जड़ियाँ इटा वगैरह लैके आनिया ने अंदर, तो इटा जड़ियाँ ना फिर आनिया को नहीं अगर इतने पेटियां पईया हो तो मैं यह कह रहा से उत्थे चाक के रखना तो फिर बाद इतने अंदर रख देवे। और मेरा मशवरा है कि इन्हें हूँ ही चाक के जड़ा ना अंदर रख लवीए फिर बाद जगह ना मसला बनेगा, एक बार चाक के उत्थे रखा उतों चाक के फिर अंदर लेवे, बेहतर इतों ही चाक के जड़ा ना हूँ अंदर रख लें। समान वगैरह पिया मैं चाक के साइड पर रख दें और दरवाजे सामने जुड़ जाएंगे, परसों दरवाजे जो है दोवें बंद ए तो मैं बंद किया और आला जोड़ा ना मिस्त्री बंद कर गया से, और इन परली साइड तो जोड़ा ना वैसे ही लिंब लुंब देवे इस बार किसी चीज़ ना ताकि जो होल वगैरह नज़र आ रहे हैं ये तो दिखाई देना बंद हो जाए। और उपर वाली साइड से भी काफ़ी व्डे व्डे होल ने यह भी जोड़ा ना बंद करावे सारे। मिस्त्री आया तो फिर ही पहले जोड़े कमरे उसरण के फिर इस तरह की माड़ी मोटी चीज़ पेरेंगे कि ना वो करवावे। आला जोड़ा ना पेटी बच्चों कट लिया बहर असी स्टेबलेजर, क्योंकि इनका तकरीबन मेरे ख्याल के 25 किलो टू 30 किलो तकरीबन 25 किलो वजन है इनका, तो पेटियां बहुत वजनी है सी, मैं इन जो बाहर कड़ लें पेटियां आसानी चकनिया हो जाएंगी। पेटियां जीडिया ना इतने रख लिया ने, लेकिन समान सानूं एक बार काफ़ी सारा कढ़ना पिया और कढ़ के वह बाहर दूसरी पेटी रखिया क्योंकि वजनी बहुत सी बंदे से दो सी चक्या नहीं गया साढ़े वाला समान जो फिर जो रखना। काफ़ी टाइम इंतजार करने तो बाद मट्टी वाले ने जी बिल्कुल साफ जवाब दिता कि आज मट्टी नहीं आ सकती, और कल उन्हें कहा कि आज बर्थी देवे लेकिन कोई नहीं क्योंकि आज भी जी हफ्ते की छुट्टी की उन्हें और जुमे की जी है वह भी उन्हें छुट्टी की, हूँ सुबह इतवार कह रहा कि जोड़ा है ना बर्थी देवे और इतवार नहीं देखने की बनता, क्योंकि हूँ मैं पैसे तो उन्होंने जोड़ा है ना दिते हुए हैं और पैसे का जी मसला कोई नहीं है उसे वापस कर दे। और मैं गया सी किसी होर ले भी मिट्टी वाले ले, उन्हें कहा अगर वो ना सट्टे तो मैं जोड़ा है फिर सट के दे देव, चलो एक दिन का जोड़ा होर इंतजार कर लें शायद जोड़ा है ना सट के दे दे, तो लेकिन भाई भी जोड़ा कह रहा मैं भी जाना अच्छ काम कि मैं चलो तू भी जोड़ा ना काम अपना कर ला, और मैं भी चलिया दुध लैना दुध लैके तो जोड़ा है ना चला फिर कर। और माशाल्लाह जी गुलाब का बड़ा ही प्यारा फुल लगे हुआ, क्या बात है, और इनकी खुशबू कोई नहीं हैगी
और हाले तक खेल रहे हैं, बहुत वड्डा होना इन्हें हाले। या फार्मी गुलाब जे लाए हुए ना जेडे वो जेडे फुटे ने फार्मी, और ये हाले है देसी गुलाब ये भी हम फुटते फिरते हैं, ये अबू ने बाद लैके आते देसी, लेकिन फार्मी के फुल पहले भी इनके रंग बिरंगे ना काफ़ी ज़्यादा लगते हैं, जो पिछली बार लगे से तुम वेख बड़े ही रंग बिरंगे को पीला को रत्ता को खट्टा को सावा, और गार्डन की माशाल्लाह काफ़ी रौनक बनी हुई है जबरदस्त। इंशाल्लाह बहुत जल्द इस घर के आवेंगे असी। गार्डन के अंदर ना एक बड़ी ही अजीब जी बीमारी बीमारी ये है कि बूटा बिल्कुल हरा भरा बूटा ना वी आई पी, जिस तरीके समझ लो कि खूबसूरत लग रहा है, फुल वगैरह लगे हुए हैं माशाल्लाह क्या बात, इधर देखो। लेकिन यकादम यकादम जेड़ा है ना वो तितली भी आ गई, कितने गई तितली चली गई यकादम, वेखद्या वेखद्या ना बूटा जेड़ा ना रातों रात खुश्क हो जाता है, और ए वाला बूटा पहले खुश्क हो गया सी जिंदे ते हुण जेड़े ना फुल वगैरह लगे हुए ने, और ए वाला जेड़ा ना बूटा बिल्कुल हरा भरा सी ठीक है काफ़ी वड्डा सारा सी, एंदे नाल दा जेड़ा ए खड़ा ना एंदे नाल दा बूटा सी ए स्पीकर फुल्लां एडा बूटा हैगा सी तकरीबन, उन्होंने फिर जो कोई बीमारी वगैरह पाएगी जरा क्या बिल्कुल सुक गया से हूँ फिर जरा फुटना शुरू हो गया। इस रैड कलर के नाल एक ना पीले फुलों का बूटा भी है सी, लेकिन वह ना खुश्क हो गया से सड़ गया सी, नहीं तो अज पीले फुल भी लगे होने से इन्ने प्यारे लगने से ना बहुत ज़्यादा, लेकिन कोशिश करा हूँ इतने आना ना तो एक पीले फुलों का जरा बूटा वह भी लैवेंगे, एक वाइट कलर का वह भी जरा लैवेंगे इस बहुत ही प्यारे लगते हैं। वेलकम बैक जी, मैं आ चुकिया जी घर वापस, और देखो इन्ना गट्टा मिट्टी पई हुई है ना, आ देखो पैर सारी जी शर्ट जी खराब हुई, शर्ट खैर पेंट खराब हुई। बेगम साहबान रोटी पानी के पैसे जेड़े है ना मैं दे गया सी, और बेगम साहबा ने अज गोश्त मंगाया है इतने कलोनी नाल कहते हैं, गोश्त मंगा के ते चावल मंगा के ते बिरयानी पका रही है, और दूध जेड़ा मैं काफी दिन हो गए आज बिरयानी खा ली है, बच्चे गा रहे चैन क्योंकि सुबह स्कूल आज कोई नहीं गए, छुट्टी है ट्यूशन चले गए, मैंने भी आज छुट्टी है, मैं भी आई जेड़ा टाइम लाया थे ना स्कूल दी छुट्टी है मैंने स्कूल मिस्त्री वाले स्कूल दी छुट्टी हो गई बॉस रखे हैं बोलो बोल हुंदा पया हां जी ए पैनी चावल 270 रुपए किलो, चावल बहुत जबरदस्त ने कमाल दे, और इन दे जो हाफ पकावांगे अद्धे अद्धे रख देवांगे, अद्धे जेड़े हैगे ना फिर कदे पकावांगे, हो सकदा कि असीं खीर भी पका लवीए सुबह, दुध जेड़ा गन होर लैवांगे फिर खीर जेड़ी हैगी ना बणेगी, क्योंकि अज दुध जेड़ा ना थोड़ा मिलिया सानू, और लैबा चलाई बैठी है टीवी कह रही है मैंने टीवी चला के दे चला देना मैंने मुँह हाथ धो लैन दे, और खा रही है सेब, और अब्दुल वहाब दा लगता है सुता पे, हाँ जी सो रहे मोटरसाइकिल जेड़ा है ना बाहर ही खड़ा है, अभी अंदर चक के लैम बल्कि जुत्ती, जुत्ती पा ले जी है जुत्ती पाने मैं पा के गया सी बूट, मोटरसाइकिल जेड़ा ना अंदर खुद सी, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि इन मोटरसाइकिल मैं अंदर रखा, उनकी वजह है कि आज मेरा दिल कर रहा जी मूंगफलियाँ खाण खान, क्योंकि आ गई ने सर्दियाँ, सर्दियों के अंदर दिल कर रहा कि मूंगफली होनी चाहिए, लेकिन खांसी जी होंगी है नाल गुड़ वगैरह हो ना, तो फिर मसला कोई नाल गुड़ भी लियावे और मूंगफलियाँ लियावे, पहले भी एक बार लिया से लेकिन उदो मौसम कौन सी हूँ तो सर्दियाँ आ गई हूँ तो जरा बनता है, एक बोटी जी ना कट के चेक की मूँह हाथ धो लिया, और लैबा जेडे मोबाइल चकन गई है कह रही है पापा मैंने चला दे टीवी लैन दी मोबाइल, ओ देखो सिग्नल वगैरह कट के बैठी हुई है भी कह रही सिग्नल नहीं आ रहे ने, मैं वाईफाई इधर ऑन करांगा तो फिर टीवी चलेगा, डिवाइस हो गई कनेक्टेड, ओ लिखा हुआ जेड़ा रेडमी रेडमी वाला दा मोबाइल है ना आया लैबा दी लग गई मौज, लैबा हकली मुकली देख रही है टीवी, और बेगम साहब जेड़ा ना बना रही है बीफ पुलाओ, मसाले वगैरह तैयार हो रहे हैं, अदरक लहसुन कुटे जा रहे हैं, अज मैनू बहुत ज़्यादा गुस्सा आया सी, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया सी, लेकिन मैं कंट्रोल कर गया गुस्सा इस गल का आया सी कि मट्टी वाले से, मट्टी वाले से जेड़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया सी, क्योंकि मैंने चार पाँच दिन हो गए तुहाडे सामने ये सारा कुछ, चार पाँच दिन हो गए मैं ना रुला रहा यकीन कर जो, लेकिन मैं सोचा कि चलो एक दिन जेड़ा ना होर गुजारा कर लें हो जाने, शायद सुबह जेड़ा है ना क्लीयर करके दे दे बंदा फिर अच्छा नहीं लगता, एक बंदे ना गल कर लवे ना तो मेरा दिल भी नहीं करता कि चलो शायद मेरी किस्मत च लेट हो या मेरी वजह तो शायद जेड़ा है ना तुम लोग किस्मत का हेर फेर हो इस वजह से जेड़ा ना लेट हो रहा या इस विच फायदा हो इस करके जेड़ा है ना मैं चुप कर गया, मैं चलो एक दिन जेड़ा ना और इंतजार कर लें, लेकिन ना मट्टी वाला जो ठेकेदार ने जो मैं मट्टी सटा के दे रहा उनका जेड़ा कोई कसूर नहीं आ, जेडे ट्रैक्टर वाले है ना ट्रैक्टर से जिंदियाँ ट्रालियाँ है
उन्हें खचकाया उन्हें जेड़ा ना खराब किया बाकी जेड़ा मट्टी सट रहा ना भाई उनका समझ लो कोई नहीं कसूर होंगी तो फुल कोशिश हैगी अगले दिन भी लेकिन जेडे ट्रालिया वाले है ना उन्होंने चोरी छुपे जड़िया समझ के ट्रालिया वेच वूच के अगे पिछे जेड़ा समझ लो कि मैंने जेड़ा ना खराब किया नहीं तो बर्थी हूँ तक जो मुकम्मल क्लीयर हो जानी सी भाई भी कह रहे मैं तेरे को पैसे ले बैठा तो यह मैंने जेड़ा ना मट्टी हूँ सट के नहीं दे रहे पता नहीं हूँ वो सुबह भी वह सट के अगर उन्होंने ना दिते तो वह कह रहा है किसी होर को जोड़ा है ना मैं सटावगा लेकिन तेरी मट्टी जीडिया ने इंशाला सुबह क्लीयर करा और अल्लाह पाक को दुआ हैगी कि ये वाली टेंशन मेरी खत्म कर क्योंकि अगे फिर बर्थी होगी तो ही जे कमरे तैयार होवे और या ही मट्टी की बर्थी होगी इटा वगैरह जीडिया होर लैनिया तकरीबन 10,000 लवेंगे और मजीद होर लगियां तो ले लवेंगे नहीं तो फिर रहन देवे दो बूटियां बेगम साहब को लिया ने मसा ने जो कड़क दिखा होगी बाकी वापसी ते आके खावांगे जी चावल और हाले गरम बड़ा है। हाँ जी मैं लैके आ गया जी मूंगफलियां और रेबड़ियां लैके आंदियां ने एक ही छापर चो ने एक ते पा दितियां ने और बेगम साहब गुड़ कोई नहीं मिलया रेबड़ियां लैके आ गया गुड़ नहीं मिलया तो मैं चलो ये ले लेने सही है और लैबा आंदे वाले कह रही है मूंगफली खानी है कह रही मैं मूंगफली को नहीं खाने हालांकि इन्हें बड़ी शौक ना खाँदी इन्होंने दिता नहीं मूंगफली हो जाती इन्होंने खाँ सी दोनों मैंने कह रही है अम्मा मैं मूंगफलियाँ कोनू खानियाँ बिरयानी साड़ी दम आया पे और मैं चलिया जी बच्चों लैन ला देव हाँ। पहले बच्चों जाके ट्यूशन तो लैके आने वापसी ते आके सारी फैमिली रल के जेड़ा ना खावे एंड काम वेख की करता पाया दो हाले तक दो रेबड़ियां लैके आंदियां सी और अपने वास्ते लैके आंदी सी मूंगफली और ए देखो जिन्नियां सारियां रेबड़ियां जिहड़ियां इकट्ठियां कीती बैठे हाले जिहड़ा कहिंदा दो दो ले बंदे खाली कर कटोरी खाली कर के दे मेरे सारा कुछ पा ले सो अजी कहिंदा दो मेरे खत्म नहीं होए चलो हुण ठीक है ठीक है बालू उधर कह रहे विच बालू है बालू की शाय वो वे करदा बच्चों लैके आ गया और बच्चे अज जो है ना शहरी बने हुए ने चेक करो तुम मैं हूँ जो है ना देखा बच्चों इन तो खड़ी होकर दिखावे ना बेगम साहबा ने सर्दियों के जेडे ना बच्चों के कपड़े जी बाहर कड़ लेने क्या बात है जी क्या उधर रमान ने जो ये पाए हुए ने भुख जेड़ी है ना इन्नी लगी हुई चलो आके टीवी ते बैठ गए लैबा जेड़ा ना लाई बैठी है बोतलां जी पता नहीं की शायद बेगम साहबा प्याज जेड़े है ना नमक नुमक ला के प्याजा ते कट्टी बैठी सलाद वास्ते दही ए देखो जमाई सी इन्हें राती और ए देखो जी चटनी बस ही है हाँ बस इतनी बनाई है आपां जी और तां लुक दिखाने जी पुलाव दी जबरदस्ती देखो चावल चावल एक एक होया हुआ बिलकुल जबरदस्त क्या बात है काफी दिन बाद आज बेगम साहब ने खुश कर दिया चावल काफी दिन हो गए तकरीबन सानू 10-12 दिन हो गए 10-12 दिन बाद चावल पकाए लेकिन असि चावल बहुत ज्यादा खाने चावल लेकिन 10 दिन असि पता नहीं गुजारे कि मैंने सानू नहीं पता लगा याद ही नहीं रहे असल ते नहीं ते बना लेने से लो जी हुण नवा कट्टा खुल गया जे मिस्त्री ने फोन किया है और मेरे पूछा काम ते सुबोआना है कि नहीं आना मैं उन्हें कहा मैं क्या सुबह जिन्हें छुट्टी करनी पौनी और मिस्त्री कह रहा है कि मैं जाना एक पास होर काम लभ्या सुबह मैं उधर चला जाना तो 2-4 दिन जो ना 4-5 दिन का काम है किसी की दीवार उसारनी है ते 2-4 दिन च उसार लैना तो तू तसली ने जेड़ा है ना मिट्टी मुट्टी सटा ला
हूँ मिस्त्री मैं दिहाड़ी दे तो नहीं सकता क्योंकि कल भी उन्हें छुट्टी की है आज भी छुट्टी की है दो तीन समझ लो कि छुट्टियां हो गई इन्ने दिन समझ लो कि जो रोज दिहाड़ी कमावन वाला बंदा छुट्टियां तो नहीं कर सकता हूँ मेरे पिछे तो मैं ही उन्होंने कह दिता कि चलो जो तू कम कर ला दो चार दिन समझ लो कोई मिट्टी वाले की वजह तो दो चार दिन हूँ मिस्त्री भी कोई नहीं आना हूँ समझ लो कि पता नहीं दो तीन दिन का कह रहा ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं क्योंकि मिस्त्री उस को ही काम कराना उनकी वजह है कि अगर वन समन ने मिस्त्री लावगा ना तो जगह जी है ना खराब कर देवे हूँ ये भी नवी परेशानी समझ लो कि जी है ना बन चुकी आ और कोशिश है कि अल्लाह करे क्योंकि उन्हें मिस करके नहीं किया कि एक दिहाड़ी चलो मैं पल्यों ही देता उन्होंने 1400-1500 जी दिहाड़ी हैगी देता लेकिन मसला इस गल का है कि सुबह भी शायद मिट्टी ना सटीजिए तो फिर तो काम खराब हो ही जाना ना क्योंकि मैं मैं तो नहीं ना मिट्टी सटनी कन्फर्म मैनू नहीं है कि मिट्टी सटीवेगी या नहीं सटीवेगी मैनू कोई यकीन तो बार कोई नहीं है लेकिन सुबह के दिन वेखांगे अगर मिट्टी जी नहीं सटींदी तो फिर होर किसी को जरा ना सटा लवेंगे सारे बच्चे खा रहे हैं जी बिरयानी और मेरे ऐ पई है जी क्या बात है जी और मेरा इन्होंने वेख वेख के दिमाग खराब होता है बडावे जी बाल्टियां जी ला के बैठी रही है अब्दुल वहाब ते लैबा जेड़ा ने शौक लगे हां लैबा ने तेरे रिमोट ही लुका के रख दिया बाबा तो और को भी में कर दे बयान भी हो कर दे मेरा भाई चौक ते कोई और चीज ना ला दे अच्छा जी माशाल्लाह बड़ी ही जबरदस्त जेडे कने पुलाव बने कमाल और करते हैं जी आज व्लॉग इत्थे खत्म इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी खुदा हाफिज़ अल्लाह निगेमान।